वीआईपी वड़ा पाव, इसको वीआईपी बोलते हैं। तो मेरे हाथ में गॉड फादर समोसा पाव है, यहाँ पे इसको गॉड फादर बोलते हैं। चॉकलेट डाल रहे हैं वैसे ना फिलिंग भी रहता है, मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ। सो आज हम लोग आए जुगाड़ी अड्डा, यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स के वड़ा पाव मिलते हैं। जो वड़ा पाव लवर है मुंबई में, वड़ा पाव तो काफी है फेमस और सबसे बेस्ट थिंग है। तो आज हम लोग आए जुगाड़ी अड्डा के पास, जो बहुत तरह के वड़ा पाव देता है। इन्होंने दावा किया है कि हर तरह का वड़ा पाव मिलेगा और स्पेशली जैन लोग के लिए भी है, यहाँ पे जैन वैरायटीज में भी है। ओह सॉरी मैं भूल गया, वेलकम बैक टू आवर बॉम्बे फूडी टेल्स वंस अगेन। सो मैंने जैसे ही आपको बता दिया है कि हम लोग कहाँ पे आए हैं, तो चलिए देखते हैं ये हमें क्या क्या टाइप के वड़ा पाव ऑफर करते हैं और किस तरह का कैसा इनका प्रोडक्ट बनता है और कैसे सॉसेज है। तो ये देखिए इनका ये सब मसाला, ये काय का मसाला है बॉस? ये रेगुलर वड़ा का है। ये रेगुलर वड़ा का मसाला है और ये समोसा का मसाला, ये समोसा का मसाला है और जैन का है। ये जैन स्पेशली जैन लिसन आपके लिए मिलता है कुछ वड़ा पाव। और ये समोसा, ये भी समोसा है, मतलब सब इनका मसाला है। ये मसाला इन लोग इसमें डालते हैं जब आलू का बनाते हैं ना, तो इसमें मसाला डालते हैं आलू के भरते में, तो ये भरता है राइट। तो ये आपका भरता बन के ऐसे ऐसे गोली बनाते हैं। तो अभी आप क्या बना रहे हैं? ये गोली मार के फिर कढ़ाई में डालेंगे। अच्छा पहले गोली बनाएंगे फिर ये कढ़ाई पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। अच्छा ठीक है, तो अभी आप बनाना स्टार्ट करेंगे। देखो गोली में डाला बेसन में, अब भाई इन्होंने कढ़ाई में डाल दिया गर्मा गर्म। ओ फुल हाइजीन है, हम ग्लव्स व्लव सब पहने हैं कोविड के प्रिकॉशंस के लेके। और ये बनाया स्टाइल में, तो चार काफी है, एकदम गर्मा। जब भी आप यहाँ पे आएंगे आपको गर्म ही वड़ा पाव मिलेगा, समोसा पाव सब कुछ गर्म ही मिलेगा। इन्होंने अभी समोसे भी अभी जस्ट ही निकाले, समोसे भी आप देख सकते हैं, ये अभी जस्ट निकाला है। पूरा हाइजीन है इनका प्रॉपर। सो ये भी वड़ा बन जाएगा ना? इन्होंने स्पेशली हमारे लिए ये कर रहे हैं, वरना इनका एक्चुअली मटेरियल बन गया था। तो ये देखिए अभी हीटिंग पे रखा है वड़ा पाव, अच्छा तेल आपका पहले से गर्म था, तेल गर्म था इसलिए फटफट जल्दी बन गया है। अच्छा तेल हमेशा गर्म रहता है, जब लोग कस्टमर आएगा उसको एकदम तुरंत मिल जाता है। अगर वो एक बोलता है तो एक भी तुरंत बना के देते हैं, अगर एक भी बोलते हैं तो तुरंत बना के देते हैं। ये बात कस्टमर को बस सही बात है, मस्त सेटिस्फेक्शन देते हो कस्टमर को। तो ये वड़ा बन के अभी जाएगा वहाँ काउंटर पे। सो ये वड़ा अभी जाएगा टेबल पे, काउंटर पे जा रहा है। पहले अभी हमारा वीआईपी वड़ा पाव का बनेगा। वीआईपी वड़ा पाव क्या है? वीआईपी लोग के खास है क्या? तो ये पाव है इनका, ये पाव के ऊपर देखिए यूनिक थिंग है, थोड़ा तिल है। ओ वीआईपी है ना हम भी, आप सब भी देख रहे हो ना, आप भी वीआईपी है, चलो फटाफट लाइक करो। सो ये डाला, ये मेयोनीज है ना, ये क्या क्या सॉस है? तंदूरी। और ये वाला सॉस आपने कौन सा डाला? शेजवान सॉस। सो ये भी हमारा बनेगा वीआईपी वड़ा पाव, पूरा वीआईपी एकदम स्टाइल में लगाया। कैप्सिकम, ऑनियन डाला। जैन वाले लोग बिना ऑनियन के भी ले सकते हैं, इनका जैन वैरायटीज भी है काफी। हमने वीआईपी और इटालियन वड़ा पाव लिया। टमाटो, कैबेज भी डाल दिया वड़ा पाव में। अच्छा मुंबई में मेरे सबसे पहले आप लोग ही है जो दे ना कैबेज, वरना मोस्टली देते नहीं ना कैबेज। ये क्या था? अरे अच्छा चीज, चीज सॉल्ट। और ये एक समोसा पाव, तो ये वीआईपी समोसा पाव और वीआईपी वड़ा पाव दे रहे हैं आप। ये अपना गॉडफादर, ये गॉडफादर है। अच्छा गॉडफादर भी बना रहे हैं। गॉडफादर क्या होता है? मैं ये अभी क्या डाल रहे आप? व्हाइट चीज सॉस भी आता है। ये व्हाइट चीज, मुंबई में चीज बहुत ज्यादा खाते हैं, हर जगह चीज है। ये क्या? पेरी पेरी, पेरी पेरी सॉस। ओ पेरी पेरी, टिक्का टिक्का।
तो अभी हमने वड़ा पाव तो ले लिया है, अभी देखिए हमारे पास अभी कौन सा वाला है, आया है। ये है भाई इटालियन समोसा पाव, इटालियन समोसा पाव। इसमें इन्होंने कैबेज डाला है, जैसे मैंने आपको बताया था पूरा बंधे हुए कैबेज है, चीज़ सॉल्ट है और कैप्सिकम, टमाटो, ऑनियन और चार पांच तरह के सॉस डाले हैं इन्होंने। सो मेरे को तो लग रहा है बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग, क्योंकि इनका सॉस और चीज़ जो डाला है ना वो मन मतलब मुँह में पानी आ रहा है। तो चलो टेस्ट करेंगे, ये सब चीज़ भी गिर गया है यार, खाऊँ कैसे इसको, काफ़ी बड़ा है। काफ़ी टेस्टी है और चीज़ जो डाला है ना उन्होंने समोसे का अलग ही टेस्ट दे दिया है, चीज़ और सॉस तरह के काफ़ी अच्छा है। आप भी देखना कभी ट्राई करके। और अब ये रहा अपना वीआईपी वड़ा पाव, इसको वीआईपी बोलते हैं, मतलब मुंबई में लोग जितने वीआईपी होते हैं ना ये वड़ा पाव खाते हैं। इसमें वीआईपी वाला फैसिलिटी क्या क्या है, कैबेज बहुत कम लोग वड़ा पाव में डालते हैं ना कैबेज, फिर ये वड़ा है ना वड़ा तो नॉर्मल है इनका, ऑनियन, टमाटो, कैप्सिकम, इसलिए वीआईपी हो गया है। और इसमें चार पाँच तरह के सॉस है और चीज़ है, चीज़ देखो डाला है इन्होंने, सॉस भी है, इसलिए इसको वीआईपी है। इनका पाव मैंने बताया था ना ऐसा है टाइप का है, स्पेशल पाव है इसलिए वीआईपी लगता है। तो चलो वीआईपी लोग अब वीआईपी वड़ा पाव खा के देखेंगे। चलो आप भी अपने आप को वीआईपी मानते हैं ना तो लाइक करिए। मेरे को तो सैंडविच फीलिंग आ रही है, सदा से सैंडविच खाने जा रहा हूँ। आ गई वी आई पी वाली फीलिंग, वड़ा पाव में सैंडविच की फीलिंग आ गई, तो कैप्सिकम था, लग नहीं रहा कि मैं वड़ा पाव खा रहा हूँ। काफ़ी टेस्टी है ये भी, और वड़ा तो सबका ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बस सॉस में फ़र्क होता है। इनका सॉस इनके पास जो वड़ा में सॉस में वैरायटी है वो काफ़ी है, और इनका पाव भी थोड़ा अलग है तो काफ़ी अच्छा है, क्रिस्पी पाव टाइप का है, प्रॉपर फैसिलिटी है। चलो पाव एकदम नरम है। तो भी मेरे हाथ में गॉड फादर समोसा पाव है, यहाँ पे इसको गॉड फादर बोलते हैं। तो ये समोसा पाव है, समोसा इनका सेम ही है, इसमें जो तरह के सॉस डाले, मैंने इनके ओनर से पूछा तो गॉड फादर समोसा पाव क्यों बोलते हैं, तो उन्होंने बोला इसमें जो सॉस है ना वो बहुत तरह के सॉस डाले, मतलब चार पांच तरह के सॉस डाले, मैंने आपको दिखा रहा होगा मेकिंग में, चार पांच तरह के सॉसेज है, चीज़ है, तो उसको गॉड फादर इसीलिए कहा जाता है। इसमें अलग अलग तरह के सॉस है ज़्यादा क्वान्टिटी में। तो चलिए टेस्ट करते हैं, आज मैं ये साइड से टेस्ट करूँगा, मुझे समोसा इससे खाते हैं ना इस साइड से आप टेस्ट करेंगे अलग तरीके से। इनका जो सॉस है ना इसमें खट्टा जैसा, थोड़ा काफ़ी खट्टा है और स्पाइसी काफ़ी है। और हाँ इनके सॉस में ना इनका हर जो भी लेंगे चीज़ सॉस में चीज़ वाला सॉस कंपल्सरी रहता है, हर जगह मेयोनीज डाला है। देखिए इसमें भी उन्होंने कैबेज डाला ही है, कैबेज, टोमेटो तो हर जगह रहता है, वो काफ़ी अच्छा है, टेस्ट में भी स्पाइसी है। वो है चॉकलेट समोसा पाव, इन्होंने डाला चॉकलेट पाव पे, पाव तो लिया पाव नॉर्मल है, ये पूरा चॉकलेट लिया इन्होंने। ओह भाई चॉकलेट चॉकलेट, और ये समोसा, ये समोसा के अंदर चॉकलेट फिलिंग है, इसके अंदर इसमें फिलिंग ऑलरेडी रहती है चॉकलेट के अंदर, जैसे ऊपर से भी चॉकलेट डाल रहे हैं और इसके अंदर फिलिंग भी रहता है। मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ, और ये कौन सा है, वाइट चीज़। अच्छा चॉकलेट उसमें भी देते हैं वाइट चीज़। रेडी पेपर में दे, प्लेट में दे। तो ये अभी चॉकलेट समोसा पाव है, मैं इसको ऐसे खाऊं या ऐसे खाऊं, ये चलो ब्रेक करता हूँ आपको दिखाता हूँ इसे ना सच में फिलिंग है चॉकलेट की कि नहीं है। सो लेट मी होल्ड, बहुत टाइट है यार, है चॉकलेट की फिलिंग है, काफ़ी टाइट था, अंदर चॉकलेट की फिलिंग भी है और इसीलिए चॉकलेट है, पूरा हाथ चॉकलेट चॉकलेट हो गया। ये देखिए अंदर चॉकलेट सेम है, आलू डालते समोसा पाव में तीखा और इन्होंने मीठा कर दिया, काफ़ी यूनिक टेस्ट है जो इनके पास है, आप इसे टेस्ट करने के लिए पा सकते हैं। एक्चुअली उनका जो मैदे का बेस वो बनाया है ना ऊपर का वो तीखा है,
मतलब तीखा नहीं, मतलब कि प्रॉपर जो है ना नॉर्मल, और अंदर पूरा चॉकलेट का फीलिंग है। तो ये काफ़ी यूनिक डिश है, आपको मुझे ऐसा लगा है, और बहुत कम जगह मिलता है मुंबई में। तो चलो आप भी आइए, आप टेस्ट कीजिए, और आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर करना, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए, तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।